2019 में टाटा मोटर्स के ऊपर 1,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और सभी लोग ये सोच रहे थे कि अब तो किसी भी समय टाटा मोटर्स बंद हो सकती है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि केवल 2 सालों में टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर 3% से सीधा 15% बढ़ गया। देखो इसके सबसे पहले कारण की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि COVID-19 आने के बाद टाटा मोटर्स का नया जन्म हुआ है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में टाटा मोटर्स ने अपने पुराने प्रोडक्ट्स को मार्केट से खत्म कर दिया और कुछ ऐसे मॉडल्स मार्केट में उतारे जो शुरू से ही सभी कार्स को बीट करने लग गए थे। दूसरा कारण ये कि COVID-19 के बाद से इंडिया के लोग विदेशी प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं, जिसमें टाटा और महिंद्रा दोनों को काफी ज्यादा मदद मिली है। जहां सारी कंपनीज ये सोचने में लगी थी कि इंडिया में ईवी चलेगी कि नहीं, इसका फ्यूचर है कि नहीं, वही टाटा ने ज्यादा सोचने के बजाय अपना प्रोडक्ट नेक्सॉन ईवी मार्केट में उतार दिया, जो आज इंडियन ईवी कार शेयर का 64% शेयर कैप्चर करा हुआ है। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर टाटा की कार्स की बिल्ड क्वालिटी को बाकी कार से काफी कंपेयर किया जा रहा है और इसी वजह से टाटा को लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।